जड़ भरत और रघुगण की बात आती है श्रीमद् भागवत में। जड़ भरत जड़वत व्यवहार करने वाले, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं, कभी धूल में पड़े रहते हैं। उनका बाह्य व्यवहार ऐसा है कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये कोई ब्रह्मज्ञानी या जीवन मुक्त होंगे। भला जो बाहर से शरीर की या इंद्रियों की चेष्टा को देखकर या बाहर के शरीर के व्यवहार को देखकर ब्रह्मज्ञानी को, जीवन मुक्त महापुरुषों को, सद्गुरुओं को नापने की कोशिश करेगा, वो धोखे में रहेगा। जयराम जी की, शरीर से व्यवहार करते रिक्ते होने पर भी वे शरीर से पार होते हैं, मन से पार होते हैं, बुद्धि से पार होते हैं। जिस जिसने इस बाह्य चर्म चक्षुओं से महापुरुष को देखने की या तोलने की, अपनी बुद्धि की तराजू में तोलने की कोशिश की है, उन्होंने मात खाया है। क्योंकि वे जहाँ टिके हैं, उनकी जहाँ गति है, वो मन से पार की उनकी गति है, बुद्धि से पार की उनकी गति है। सतगुरु को, संतों को बुद्धि से नहीं तोलना, उनके बाहर के व्यवहार, उनके शरीर की क्रियाओं को नहीं देखना। वे जहाँ स्थित हैं, जिस ब्रह्म में, जिस शिव तत्व में, जिस आत्मा परमात्मा में उन्होंने रमण किया है, उसमें अगर तुम जाकर देखोगे तो उनमें कोई दोष है नहीं और तुम्हें दिखलाई दे ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो पूर्ण निर्मल और पूर्ण पवित्र है। तो ऐसे ही रहुगण थे, पालकी उठाकर उनके सैनिक जा रहे थे, थक गए तो बोले अब कौन उठाएगा। तो जड़ भरत को उनके सेवक पकड़ के लाए कि ये बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, यही पालकी उठाएगा। वो जीवन मुक्त जो थे, हट्टे कट्टे दिख रहे थे, बाहर ऐसे मूढ़ जैसा व्यवहार करते थे, मूर्ख जैसा व्यवहार करते थे। योग वशिष्ठ महारामायण के अंदर आता है कि वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो केवल चुप रहते हैं, केवल गुफाओं में रहते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं जो लोक कल्याण के लिए उपदेश दिया करते हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी ऐसे भी हुआ करते हैं जो मौन रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नाचगान सुनते हैं। जो ऐसे भी हैं जो व्यापार आदि कर्म करते हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी ऐसे ही हैं जो मूढ़ और पिशाचवत आचरण करते हैं, पागल की नहीं आचरण करते, लेकिन अंतर से उनकी स्थिति महान होती है। खैर, ब्रह्मज्ञानी को समझना तो बड़ी ऊँची बात है, मंद बुद्धि वाले उनकी स्थिति का पता लगाने में असमर्थ हैं। जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होता है, मन प्राण और शरीर की स्थिरता होती है, उतना ही उतना बुद्धि की उत्तमता होगी और ब्रह्मज्ञानी को समझने की नजर बनेगी। जयराम जी की। जड़ भरत ऐसे मूढ़वत पिशाचवत आचरण करते थे, न राजा समझ पाया, न उसके सैनिक समझ पाए। आखिर उसे पालकी में जोत दिया। रहुगण राजा ऊपर बैठे और जड़ भरत उनकी पालकी ढोके चल रहे हैं। रास्ते में कुछ जीव जंतु, कुछ चींटी, कुछ मकोड़े आते हैं तो जंप मारते हैं उनको बचाने के लिए, कहीं अपने पैर के दबाव से उनके ऊपर पैर न पड़ जाए। जड़ भरत उनको बचाने के लिए कूदते हैं तो ऊपर बैठा जो रहुगण है, जड़ भरत कैसे कूदने से उसको भी एक जर्क लगता है, वो भी पालकी में बैठा बैठा कूदता है और उसका जो खोपड़ी है ऊपर की छत के साथ टकराती जाती है। दो बार, चार बार, आठ बार, दस बार हुआ, ऐ ठीक से चल, समझता नहीं क्या, कैसे चलता है, चोट लगाता है। बार बार रहुगण राजा जड़ भरत को टकोर करते हैं कि ऐ ठीक से चल, ऐ पालकी उठाने वाले ठीक से चल, कैसे चलता है, समझता नहीं कि हम राजा हैं। अनाप शनाप राजा ने कठोर वाणी से जड़ भरत को संबोधन किया, लेकिन जड़ भरत के मन में कोई क्षोभ नहीं। सुख दुख की घड़ियां जीवन में आती है, आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। चींटियों से मकोड़ों को न मारने के लिए जब जड़ भरत बार बार कूद रहे हैं, बार बार वो असरकारक, चोटकारक, कटु शब्द राजा कह रहे हैं, तो जड़ भरत ने कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन चलने वाला कौन ऊपर बैठने वाला, सब वो ही परमात्मा है। ऊपर बैठा है वो भी वही है, जो चल रहा है वो भी वही ब्रह्म है, और कूद रहा है वो ही है, जो नीचे चींटियों चल रही है उसमें भी वो है। तो बोले कौन ऊपर कौन नीचे,
तो बोले वही ब्रह्म ऊपर है, वही ब्रह्म नीचे है, वही ब्रह्म चींटी है, वही ब्रह्म मैं हूँ, वही ब्रह्म तू है। अब ऐसी अजनबी बात सुनकर रघुगण के मन में और आश्चर्य हुआ कि आखिर बताइए, कोई लगता तो मूर्ख जैसा है लेकिन मूर्ख नहीं है, कोई चतुर व्यक्ति लगता है। नीचे उतरे और फिर पूछा, आखिर ये तेरी बात का अर्थ क्या है? जब उसने ब्रह्म की बात बताई और सब में एकत्व की बात बताई, राजा रघुगण को हो गया कि अरे राम, ये मैंने कैसा पाप किया? ये तो तत्वज्ञ महापुरुष है, ये तो जीवन मुक्त महापुरुष है, और उसको मैंने मूर्ख समझकर अपनी पालकी ढुलवाई और मैं उस पालकी में बैठा, मैंने घोर पाप किया है। जब जड़ भरत को असली स्वरूप में जाना और जीवन मुक्त जाना, रहुगण उनके शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं और जड़ भरत को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, और उसके बाद जड़ भरत ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है और रहुगण को साक्षात्कार हुआ है। ज्ञानी मेरा तेरा रहित होते हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, उसमें कितने चींटियां होगी, कितने मकोड़े होंगे, कितने पशु होंगे, कितनी गाय भैंस कुत्ते बिल्ले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हनुमान जी को पाप लगा क्या? लगा क्या पाप? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वे अपने आत्म भाव में, उन्नत भाव में, ब्रह्म भाव में स्थित है। साधुते होवे न कारज हानि, शास्त्र कहता है कि संत से किसी की हानि नहीं होती। संत सुखी परहित दर्शी, दूसरों का हित हो उसी में वो। पीले 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 कड़वी दवा, नहीं तो है देख मारूंगी, माइया छोटे बेटे को कहती है, कड़वी दवा पिलाती है, नहीं पीता वो बच्चा तो फिर उसको थप्पड़ दिखाती है, आंखें दिखाती है, लेकिन किसी भी ढंग से उसके हित की वो दवा है तो दांत के द्वारा, धमकी के द्वारा, थप्पड़ ठोक कर भी उस बेटे को कड़वी दवा पिलाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान, संत, सतगुरु भी हमारे ऐसे ही हितेशी होते हैं, अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन हमें उन्नत करने के लिए उनकी चेष्टाएं रहती है। अक्सर ऐसा रहता है कि हमारे मन में संदेह रहता है, ये भगवान बड़ा कि वो भगवान बड़ा, ये गुरु बड़े कि वो गुरु बड़े, गणपति को पूजे या भगवान शंकर को पूजे या हनुमान जी को पूजे, हम किसकी पूजा करें? ऐसा अक्सर साधकों के मन में संदेह रहता है। जयराम जी की अपने पूजा के स्थान में हनुमान जी की भी मूर्ति रखेंगे तो शंकर भगवान भी बिठा देंगे, तो गणपति भी रखेंगे, तो अम्बे माता भी रखेंगे, गुरुदेव का चित्र भी रखेंगे, तो और कोई उस इलाके की छोटी मोटी देवी होगी तो उसको भी बिठा के रख देंगे, शायद इसमें ताकत कम हो तो दूसरे की ताकत काम आ जाए, ये होगा क्या पता। भक्ति जो है व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। शास्त्र में कहा, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः साक्षी भूतो सर्वभूतांतरात्मा। जयराम जी की। जैसे पानी पीने के लिए कुआं खोदना होता है तो कुआं खोदते हैं और कोई थोड़ा खोदेगा, अरे अरे पानी नहीं निकलता, चलो दूसरी जगह कुआं खोदो, दूसरी जगह थोड़ा कुआं खोदा, अरे इसमें भी पानी नहीं, तीसरी जगह थोड़ा बहुत खोदा ना खोदा, चलो चौथी जगह, 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह पे जब आप गहरा खोदते जाओ तो 4 जितने खोदे उससे तो आधी मेहनत में पानी मिल जाता और तुम तृप्त हो जाते। ऐसे ही एक ही देव को सदगुरु पकड़े तो उस एक को ही लगे रहना, कभी उनको कभी उनको, ठीक है श्रद्धा रखना है, आदर रखना है, मान मर्यादा रखना है, एक ही गुरु। तो अव्यभिचारिणी भक्ति इसी को कहते हैं।